बीते दिनों सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर झुग्गी बस्ती में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें बस्ती पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। इस आगजनी में कोई जनहानि तो हालांकि नहीं हुई, मगर बस्ती वालों का सब कुछ जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर सहित भिलाई निगम के महापौर और आयुक्त ने स्थल निरीक्षण किया और यथास्थिति देखने के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर पीड़ितों को अटल आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके लिए पीड़ितों के आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जो घटना में नष्ट हो चुके हैं उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है और इच्छुक व्यक्ति को पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मकान उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, एक्चुअल में जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय पहुंचे थे और इसके उपरांत में जो उनके जो दस्तावेज हैं वो जल गए थे और इनके पास तो घर भी नहीं है, तो इसको लेकर के जो है निगम ने शिविर दो दफ़ा लगाया हुआ है और इसमें जो उनके दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड किसी के बने होंगे या राशन कार्ड बने होंगे, उनको पुनः बनाने की प्रक्रिया उनके लिए की जा रही है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत इनको फॉर्म भरवाने का काम किया जा रहा है, जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो फॉर्म भर के आवेदन जमा करके सामने आ रहे हैं, जिनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी प्रक्रिया शासन की है, जो नियमानुसार होती है, उसी के अधीन जो है वो काम किया जाए।